गाइस अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप लोगों ने इसके पहले वाली छोटी सी क्लिप देख लिया, तो आप लोगों को मैंने कल की ब्लॉग में ही बोली थी क्या मेरा लेज़र सेशन था आज, तो वहीं पर थी मैं। तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही घर आई हूँ, नहाई हूँ, अभी जस्ट मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हुई हूँ और एकदम जूम जूम में आ रहा है बिकॉज मम्मी के फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि आज सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करूँ, उसको सेव करूँ और अपलोड करूँ। बस अभी घर आकर पहले मैंने वही काम करी हूँ, तो मेरे फ़ोन में वही सेव हो रहा, वीडियो सेव हो रही है, तो मैं बोली मम्मी के फ़ोन से शूट करते हैं। और इफ्तारी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बता देती हूँ मैं आपको। गाइस मैं आते आते मैं वहीं पे चले गई थी न्यू घर में, क्योंकि वहाँ पे एसी भी थी और यहाँ पे सब लोग सोते रहते, यहाँ पे भी एसी बट यहाँ पे सब लोग सोते रहते और मेरा मॉर्निंग का था सेशन। तो मम्मी ने कितने का है, 50 का है कि रब्बा बेचने, बोलती हूँ मेरे अब्बा को बेचने के लिए। ओके सो हाँ गाइस, मैंने ना हम लोगों ने आप लोग बताया कि कल ना मैंने ऐसी न्यू जगह से आप लोगों को बोली थी ना कि ट्राई करने के लिए लेकर आऊँगी, तो अच्छा लगा वो हम लोगों को। ऐसा कुछ ब्रेड का था, जब खाऊंगी तो बता दी, बहुत अच्छा था। और कल टेस्ट के लिए एक ही लाए थे। तो गाइस देखो, ये मम्मी ने ना ये बना दिए थे इसका, तो इतना सीख बना दिए है, चीज़ डाल दी है इसमें। और अभी ये कबाब बचेले का जो है वो मैं कबाब बना दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है उनको, फिर भी उन्होंने इतना किए और उनका रोज़ा भी है। और उसके अलावा मम्मी ने चना भी बना दिए है, ये भी हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे कॉर्न बॉईल करने रख दी हूँ, अभी जैसे ही बॉईल होएगा तो आधे को पैरी पैरी मेयोनीज डाल के मैं उसको अच्छे से बना दूंगी और आधे में सिर्फ चाट मसाला और ये सब डाल के बनाऊंगी। तो अभी फटाफट देखते हैं क्योंकि आज शायद, तो गाइस वही मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मेरे को आज टाउन जाना ही है, देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। मैं कल ही चले जाती, अगर मेरा आज लेज़र नहीं होता तो मैं कल ही चले जाती, बट आज मेरा लेज़र था, मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ कर जाना पड़ा क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना था और वहाँ पे कुछ भी था नहीं, तो मुझे मोना के वहाँ से सब कुछ लेकर आना पड़ा, सामान जो लगता है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो आज लेट से क्या होता है, जाते हैं, कुछ ना कुछ तो आज गाइस लेना ही है मुझे, चाहे जैसा मुझे चाहिए वो मिला तो ठीक है, नहीं भी मिला तो कुछ ना कुछ तो आज मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी दिन नहीं बचे और मेरे में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है क्या मैं डेली शॉपिंग कर सकूँ, क्योंकि ये क्या बोलते हैं शिफ्टिंग की वजह से मेरी हालत एकदम ख़राब है। तो बाहर से ये चिल्ला रहा है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। तो गाइस अभी फटाफट इफ्तारी बना लेते हैं, इफ्तारी करते हैं और देखते हैं इफ्तारी बाद क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, क्या है आज के प्लान, इफ्तारी बाद देखिए। 2000 years later ये कपल लोग को देख के हंसती है मनु, देख गए मैं को पोको लोग को मिला, तुझे मोगो मिला, चल जा बस इतना बस हो गया, नहीं रुको कुछ खा खाना है, कुछ नहीं है स्पाइसी, रुक जाओ कब है पकड़ो सर, आइए ये भी पकड़ो ना, ले आऊँ मैं, मुझे भी ये वाला, ये तो ये वाला खाएगी वो, प्रीमियम ऑनियन नहीं है ये, अरे हाँ इसमें पता है वो अपन खाते थे ना, हाँ इधर है ये वाला, लग गया निकली, तब मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं आज काफ़ी लेट हो गई थी, मोना मुझसे पहले रेडी हो गई थी, तो इसलिए आज मुझे थोड़ा उसका थोड़ा झेलना पड़ा। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं, तो पहले हम लोग जाएंगे जो काम के लिए आए पहले वो करेंगे, हम लोग आए हैं कपड़े लेने मैं और मोना, तो पहले कपड़े लेंगे फिर आगे का काम जो भी रहेगा वो करेंगे। भाई जी बोल रहे हैं इनको अच्छी औरत नहीं मिली है, अच्छी औरत नहीं मिली है, कहा है अपू भाई, हाँ क्या क्या बोला, क्या बोले इन्होंने, आई डिजर्व बैचर, ओके अरे कहाँ गए वो, क्या सीधा ब्लॉक कर दूंगी जो कमेंट करेगा लोग को, समझे गाइस इंस्टाग्राम आईडी नीचे टैग कर दूंगी, आप लोग इनको जाके फॉलो कर लेना और जो इंटरेस्टेड है डीएम कर लेना, सब मजाक के लिए था, कोई भी डीएम मत करना, बहुत मारूंगी वरना।
यहाँ से तो दिख भी नहीं रही है कितनी गर्दी है वहाँ पे, बट एक्चुअल में बहुत गर्दी है गाइस। यस ये कौन सा है रे? ZHZ क्रिएशन। नो अभी नहीं जाने का है, देखो वैसे कपड़ा लेने का ना मेरे सामने। तो गाइस बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं स्टाइल इन, और नान कितने के कपड़े दिलाने वाले? हाँ पूछते हैं तो बता दूंगी। मोनाई सिंह चालू है, चलो चलो ऊपर चलो। 1 minute later जैसे गए थे वैसे ही रिटर्न आ गए हैं, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, सब स्टॉक खत्म हो गया, इतना लेट लेकर आई है। जाने दो गाइस मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही बोल रही थी क्या रुक के जाएंगे, वो मेरे को भारी पड़ गया। चलते अभी कहीं और। स्टॉक कितने अच्छे है, कितने का मिला? मैंने कितने का ली थी? 250 के लिए। चलो जूस लेने के लिए, पीने के लिए 200। गाइस ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि मुझे ईद का कपड़ा नहीं मिल रहा है कहीं पे भी नहीं, हम लोग हर जगह ढूंढ के देख लिए हैं। धूमता आप कुछ बोलना चाहोगे? देखो भी नहीं मिल रहा है, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। इसकी वजह से इसने पूरे महीना बोली मतलब एंडल में लेने का। मैंने ऐसा नहीं बोली थी, और ये लोग इतना मेरी सुनते नहीं है, जो लोग इतना आज्ञाकारी बन रहे मेरी। पूरा महीना लग रहा है मैंने लेने में। लखनवी गाइस हम लोग दोनों ने लिए, आप लोगों ने देखे ये, और अभी मेरे को बोल रही है। अभी छोड़ते हैं जाते, पहले कुछ खा, भूख लगी है बहुत। हाँ क्या खा रहे? विदाउट एक्सप्रेशन देखो मैंने, बता दो क्या दिखा सब दिखा दो। देखो ये इमली खा, बहुत कट्टी है बहुत कट्टी है। रफू भाई अंदर है, कहाँ रहे? अमायरा का कपड़ा ले रहे हैं। हाँ हम लोगों ने सिर्फ अमायरा की शॉपिंग की आज, करने आए थे हम दोनों की, पर अमायरा की हो गई। इसको देखो खट्टी खुश है, इज दैट एनीथिंग? चलो अभी डायरेक्ट सैरी करने के लिए टाइम नहीं है। अरे इनको तो ले किधर है, बहुत कट्टी है बहुत कट्टी है। हाँ दिमाग पे लग गई। दो गार्लिक नो नाना नॉन बोल रही है, चिकन गुना हम लोग दोनों के लिए। अच्छा। हाँ। क्लासिक है ये डालना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सैरी हो चुकी है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए। मेरे को तो बहुत नींद आ रही है क्योंकि मेरा सोने का टाइम हो गया है, तो फटाफट अभी चलते हैं घर। अप्पू भाई गए हैं कार लेने के लिए, फिर निकलेंगे। सो गाइज ये मेरी सेकेंड क्लिप है, इसके पहले मैंने अदनान का आउटफिट गलती से रिवील कर दी थी कि वो क्या पहनने वाले हैं, तो इसलिए मुझे रिटर्न क्लिप लेना पड़ रहा है। तो गाइज वही रात में मॉर्निंग में हम लोग आए, काफ़ी लेट आए थे, तो फिर रात के साथ में सो गई थी मैं, कार में ही सो गई थी आने के टाइम पे। तो अभी मेरे को तो आउटफिट नहीं मिल रहा है, मैंने हर जगह पर देखी, और इसके अलावा मतलब जो लोगों के पास अभी जो स्टॉक अवेलेबल है, वो जो मैंने मेरी शादी के टाइम पर जो स्टॉक देखी थी वही वाला है सब कुछ। तो लोग बोल रहे हैं आप लोग काफ़ी लेट आए हो, अभी क्या कर सकते, अब लेट आए, मुझे क्या लगा मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। अंदर मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे क्या तुम्हारी फालतू शॉपिंग छोड़ो, क्योंकि मेरी फालतू शॉपिंग बहुत हुई है, मतलब हद पार हुई है, मतलब फालतू नहीं बोलेंगे, मतलब मैंने ड्रेस वेस ऐसी नॉर्मल पहनने के लिए ली। तो अदनान मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि पहले तुम ईद के आउटफिट पर फोकस करो, वो ले लो, बट मैंने उनकी नहीं सुनी। तो अभी आज मेरे को बहुत भारी पड़ रहा है, तो अभी देखते क्या हो पाता है। तो आज है थर्सडे, तो थर्सडे को हमारे वहाँ पे 2-3 जगह मार्केट लगता है, तो मैं सोच रही हूँ क्या मैं चले जाऊँ वहाँ, देखूँ क्या होता है, जो भी होगा वो आपको इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता ही चल जाएगा, क्या मैं गई नहीं गई, क्या करी आउटफिट का, क्या कर रही हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ब्लॉग मुझे पता है काफ़ी छोटा बना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि टाउन में इतनी ज़्यादा रश है, फिर भी मेरे से जितना हो गया हम लोगों ने शूट की, अदरवाइज शूट करने के लिए मौका ही नहीं मिल पाता, यहाँ से लोग चिल्लाते वहाँ से लोग चिल्लाते, तो इसीलिए। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइज अगर आप लोगों ने आपका ईद आउटफिट ले लिया है तो मुझे कॉमेंट में सजेस्ट करो आप लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इंशाल्लाह मैं भी जाके वहाँ पर देखती हूँ, या आप लोगों को कोई अच्छी अच्छी शॉप पता होगी तो वहाँ मतलब उसका भी सजेस्ट करो, वो भी मैं जाके देखती हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा क्या करना है, लाइक करो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आवाज़ वापस बैठ रही है क्योंकि मैं तबीयत
2 मिनट। तो होप सबको मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।